आज आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे फ्लैश का FSR6 ट्रांसमीटर की। तो ये ट्रांसमीटर मैंने फ्लाइंग मशीन आरसी एविएशन वेबसाइट से परचेज किया है और मुझे काफ़ी सस्ता मिला, तकरीबन 3,500 रुपीज़ इंक्लूडिंग डिलीवरी चार्जेस। तो ये काफ़ी अच्छी डील थी मेरे हिसाब से। अगर आप अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट पे इसकी प्राइस चेक करोगे तो काफ़ी ज़्यादा है। इवन बैंगूट, जो कि ज़्यादातर लोग प्रीफर करते हैं हॉबी रिलेटेड प्रोडक्ट्स परचेज करने के लिए, तो वहाँ पे भी इसकी प्राइस तकरीबन 3,900 के आसपास है। तो चलिए इसे अनबॉक्स करते हैं। के साथ एक यूजर मैनुअल भी है, हम बाद में देखेंगे। तो इस ट्रांसमीटर के साथ मुझे जो रिसीवर मिला है वो FSR6 मिला। ये 6 चैनल रिसीवर है और एक बाइंड की, जो कि बाइंडिंग के काम आते है। यूजर मैनुअल पर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ बाइंडिंग के रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस दिए, तो वो एक बार आप पढ़ लीजिए। तो अभी हम जानेंगे कि इस ट्रांसमीटर को इस रिसीवर के साथ कैसे बाइंड करना है। तो सबसे पहले तो आपको जो ट्रांसमीटर है वो पावर अप करना पड़ेगा और मेक श्योर कीजिएगा कि स्विचेस जो है वो अपर डायरेक्शन में हो। उसके बाद जो थ्रोटल चैनल है वो लोएस्ट पोजिशन पर होना चाहिए। बस एक बार ट्रांसमीटर ऑन करके देख लीजिए कि सब कुछ सही से वर्क हो रहा है फिर नहीं। उसके बाद जो है बाइंड के लीजिए और जो रिसीवर उसके टॉप मोस्ट चैनल पे उसे प्लग इन कर दीजिए। डजेंट मैटर डायरेक्शन क्या है, आप कैसे भी प्लग इन कर सकते हैं। B/VCC चैनल में आपको उसे प्लग इन करना है। उसके बाद जो रिसीवर का BEC प्लग है वो आप किसी भी एक चैनल में प्लग इन करना है, सिर्फ रिसीवर को पावर अप करने के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं जो रिसीवर में जो लाइट है वो फास्ट ब्लिंक हो रहा है, तो आपको सिर्फ ट्रांसमीटर में जो बाइंड किए है उसे प्रेस करके ट्रांसमीटर को ऑन करना है। उसके बाद जो BEC प्लग और बाइंड किए है उसे रिमूव करना है और सिंपली उसके बाद जो BEC प्लग है उसे वापस से प्लग इन करना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं अभी लाइट जो है वो स्टेबल हो चुका है, मतलब रिसीवर ट्रांसमीटर के साथ बाइंड हो चुका है। दैट्स इट।